किंग खान के सपोर्ट में रजनीकांत का चौंकाने वाला बयान आया है। रजनीकांत इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किंग खान की गलती ठीक करते हैं। दिग्गज अभिनेता किंग शाहरुख खान ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्रीवेडिंग पार्टी में रामचरण को इडली वड़ा कहकर बुलाने के चलते काफी विवाद चल रहा है। रामचरण की मेकअप आर्टिस्ट शाहरुख के इस कमेंट से इतना नाराज हो गई कि उन्होंने अंबानी की पार्टी बीच में ही छोड़कर चली गईं। इस पर सुपरस्टार रजनीकांत कहते हैं कि शाहरुख बहुत बड़े स्टार हैं और वो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे और रामचरण शाहरुख अच्छे मित्र हैं तो उनको स्टेज पर बुलाया। वहीं उन्होंने रामचरण के साथ डांस भी किया। बॉलीवुड के जिगरी यारों सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का एक साथ स्टेज पर डांस करना था। वही किंग खान भी इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि वो ऑडियंस के सामने एक दमदार एक्शन फिल्म लेकर आए। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख खान अभी ऋतिक रोशन के पिता से भी मीटिंग कर चुके हैं। इस साल शाहरुख अपनी फिल्मों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर एक्शन फिल्में ही होगी। वही दोस्तों, शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे, अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं। खबरों की माने तो तीन बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा तीन बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया, जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद इटली की जवान की रिलीज के साथ की और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा।